एग्जाम्पल है जिसमें सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अगर सिस्टम का हर एक पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और उस एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा तभी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चले। जैसे ये पूरा जो है, ये पूरा सिस्टम है, इसमें ये बस है, दो आदमी है, एक चेयर पे बैठा है। अगर ये एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये बस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, तो हर पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और सेंटर ऑफ मास भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। इसी तरह से व्हील के साथ होता है। अगर एक व्हील है, ठीक है, ए व्हील है और ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशन, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी भी वेलोसिटी वी ही होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में जीरो है। तो यहाँ पर भी बस है, तो इस बस पे एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट।